ये है मेगालोर रोड की जिंदगी। चाहे तुम सुबह आओ या शाम में आओ, जाम तो आपको मिलेगा, ये मिलता ही रहता है। कुछ लोगों की जिंदगी झंडो गई गाड़ी के पीछे पीछे, बहुत लंबा जाम है भाई, बहुत लंबा। कभी मेगालोर रोड पर आओ तो पता चले। ये भैया ओवरटेक करके जा रहे हैं, आगे जाके बताऊंगा। जितना भी लंबा जाम होता है क्या, सुबह से गैराज में थे, अभी आया तो जाम में घुस गए। क्या जिंदगी है भाई ड्राइवर वालों की। सही है भाई, ड्राइवर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखाई देती है। बहुत लंबा जाम है भाई, और जाके देखते हैं। ये रोड कलाइन चौड़ के मेघालय घुसने वाला रोड है, कलाइन बाजार चौड़ के लगभग टूल गेट चौड़ के। हाँ कलाइन के, मुझे आइडिया नहीं कितना दूर होगा, शायद 20 किलोमीटर इतना दूर होगा, बट है बहुत। और आप सबको दिखाने के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ, आप सबको भी पता चले रोड कितना लंबा होता है, ये ब्लॉक कैसा होता है, लंबा जाम कौन देखेगा। मैं और नहीं जा रहा हूँ भाई, बहुत लंबा है, जितना जाना था जा चुका। गल में आके जाम लग गया, ये देखो भाई आज मेगा लोग में बहुत चल रहा है। ज़्यादा तो जाम में रात में बारिश किया था, गाड़ी से रुके बोल रहा है। इतना लंबा जाम होगा, मुंडो 20,000 गाड़ी होगा जाम में, मालीडोर से पूरा सोनापुर तो होगा शायद। अभी हम मालीडोर ब्रिज के पास आए हैं, टूल रोड स्टार्ट हो गया क्योंकि थोड़ी देर पहले हम जाम में बैठे हुए थे, अभी जाम फिलहाल टूटा हुआ है, पता नहीं कब तक टूटे रहेगा, फिर से भी जाम हो सकता है। ये नदी का पानी देखो यार कितना अच्छा है, ये देखो कितना दूर दूर तक जाम है, लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जाम टूट रहा है तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे, इतना ऊपर जाना है हम लोगों को। देखो पीछे कितने लोग थे लाइन पे, अभी वो लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे, मतलब इतना लंबा जाम था क्या बताए यार। देखना बहुत लोग आएंगे, फिर से लग गए शायद, हाँ फिर से लग गया। आज का दिन ही जाम से जा रहा है, देखो कितना लंबा जाम है। हम लोग उधर थे, अभी उधर से आए हैं, उधर वो लोग आए हैं, हम तो बहुत आगे आ गए, जाम थोड़ा छूटा तो, बट ये लंबा जाम कब तक छूटेगा किसको पता। मिजोरम एकदम सेम लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट एकदम सेम ही है, बट मिजोरम में इतना लंबा जाम नहीं होता जितना मेघालय रोड पे होता है। देखो कितना दूर दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। जो एमबीए खड़ा है गाड़ी में अंडा लूट रहा है, फिर भी आने का टाइम में 1,000 रुपया लेता है, ये मेघालय का काशे लुक का दादागिरी है। ये देखो खाली गाड़ी आ रहा है, लोड का थोड़ा सा लोड होने से भी पैसा देना पड़ता है, ये देखो एक आदमी पैसा ले रहा है, बहुत तंग करता है। फिलहाल हम ऑयल पेट्रोल पंप के पास है, इंडियन ऑयल, बट ये तो दोनों तरफ से जाम है, इधर भी जाम है इधर भी जाम है, आगे जाओ तो जाम, आगे से आए तो जाम। जाम ही जाम, आदमी लोग गाड़ी का ड्राइवर लोग तो छोटी गाड़ी में खाना बना रहा है जाम में, गाड़ी भी चल रहा है, खाने खाने भी बना रहा है, कितना दुख की बात है। ये तो कितना लंबा लाइन है, और ये गाड़ी महाराष्ट्र का गाड़ी है, छोटी गाड़ी में खाना बना रहा है, इधर ही मेघालय में आया है।
क्या दुश्मनी है भाई, हमारा जाम नहीं छूटता, ये लोगों का छूट गया तो ये लोग आ रहे लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। कितना लंबा लाइन है, तो कितना लंबा, मैं आपको पूरा व्यू दे के सर। इधर भी बहुत बहुत लोग, नहीं उनका भी स्टॉप हो गया, चौड़ा तोड़ा करके चल रहे हैं, हमें भी चौड़ा तोड़ा करके चल रहा, हमें भी जाना है लूट पे। फाइनली थोड़ी देर इंतज़ार के बाद जाम छूटा है, तो थोड़ी देर को हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कब तक जाम छूटे रहेगा। अरे है मेगा रोड का एरिया, मोटो मालीडर में है अभी हम लोग। वाह आगे पीछे दोनों तरफ जाम है, सुबह से एक जाम में बैठा हो, सुबह हो गया अभी 3 बज रहा है, देखो सुबह 7 बजे निकले थे अभी 3 बज रहा है। इधर फ्री का मेकअप मिलता है, किसी को चाहिए तो आ जाना। तो मसला किसी चीज़ का नहीं था, उस गाड़ी का मतलब ख़राब हुआ इसलिए हमारा गाड़ी ब्लॉक हुआ। गाड़ी के वजह से, हाँ तो ये गाड़ी ख़राब हुआ था इसके वजह से सुबह से जाम हो रखा है, दोनों तरफ से गाड़ी नहीं जा रहा है, उधर से भी नहीं जा पा रहा, उधर से नहीं आ पा रहा है, इसलिए जाम हुआ था। फिलहाल जाम छूटेगा पता नहीं, बट ये तो पेट्रोल पम्प भी भर गया गाड़ी से, मतलब ड्राइवरों की ज़िंदगी जान, जहाँ भी जाओ ब्लॉक। किसी किसी का तो यह होता है सुबह निकल तो एक मारने के बाद घर आता है, हमारा तो। और ये देखो ये क्या हालात हुए, इधर उधर से गाड़ी फंस चुका है, अभी कौन किधर जाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता। दोनों तरफ से जाम होके रखा है भाई, इधर भी गाड़ी फंसा हुआ, ना जाओ दरवाजा बंद है, दरवाज़ा बंद हुआ रखा हुआ। हाँ भाई ये भैया गाइड कर रहे लोगों को जाने के लिए, फिलहाल अच्छा काम कर रहे। ये ले बहन के लोरे चिल्ला रहा है, शायद जाम से निकल गए शायद, पता नहीं, जैसे तो एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से अभी जाम एंड होगा क्योंकि वो लोगों का जाम लगा है, हमारा शायद खत्म हो जाए, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फाइनली जाम से निकले, सुबह 7 बजे आए थे अभी 5 बज चुका है, थैंक गॉड। सामने देखो कितना जाम है, फिर आगे जाम में फंस गया थे। तो इधर एक गाड़ी ख़राब था, ये गाड़ी से वजह से जाम था, फिर आके जाम में फंस गया पीछे में, मेरा गाड़ी का पीछे में इतना लंबा लाइन है, बहुत कष्ट होता है। मैं लोग अपने के लिए मेहनत कर रहा है, आप लोग साथ में रहना है, और चैनल छोटो भाई समझ के सब्सक्राइब करना। ये मेरा गाड़ी रखा हुआ है सुबह से ही है, कोई ड्राइवर लोग खाना वाना रहे रनिंग में, इतना लंबा गाड़ी आ रहा है देखो, तो क्या बोलता है टेलर बोलता है पाइप लेकर आ रहा है, ये गाड़ी ये रास्ता में चलने से ज़्यादा सब जाम रहता है, इतना लंबा लंबा गाड़ी है। इधर का नंबर है NL नागालैंड का नंबर है, मेघालय तरफ में चल रहा है, रनिंग भी इतना हार्ड है, ये गाड़ी के लिए बहुत हार्ड होता है, फिर भी ले रहा है देखो, इधर जा रहा है रास्ता साइड में है शायद। तो ये देखिए ये है बांग्लादेश का बॉर्डर का साइड जो मेघालय साइड से दिखाई देता है, सुनापुर रोड मिलने के पहले। दूर तक है बॉर्डर से, ये सुनापुर का बगदा है भैया, अभी रात की टाइम हो रहा है, बगदा के अंदर आए, ऑर्डर मारो ना ऑर्डर, Thank you.
हॉर्न का आवाज़ वाइब्रेशन मारता है उधर से उधर, तो बाहर नहीं जाता है ना, आसपास ही घूमता है। और ये है सामने ब्रिज, उस ब्रिज के नीचे जो गंग नदी है उसका पानी बहुत अच्छा है, मैं नहाने में बहुत अच्छा लगता है, वो फोटो भी खींचने में बहुत बढ़िया आता है। ये है वो ब्रिज जो सुनापुर का ब्रिज होता है, ये पहले से बहुत अपडेट हो गया है, पहले ये नहीं था, अभी आ गया उधर यूएस पार्किंग। इधर है ब्रिज का पानी और ब्रिज, इधर गाड़ी लोग जा रहे। पेट्टूरी पे मैं और होटल बोल रहा था, पेट्टूरी का जो मेघालय रोड, हाँ मेघालय के साइड टू उसको आप गेट तरफ से गेट पास लेते हैं। भैया गेट पास, हाँ नंबर बोले MZ, ओके MZ01Z01Z, हाँ 3732। पूरा दिन आप उधर ही बैठते रहते हो क्या? पूरा दिन इधर ही रहते हो क्या? हाँ सीमेंट है, सीमेंट है ना, सीमेंट सीमेंट, हाँ सीमेंट ही है भैया। अभी टाइम 12:13, 12:13, हाँ